हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं प्रज्वल सिंह एक बार फिर से बच्चों आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हमने पिछले लेक्चर में उपसर्ग संयोजक यौगिकों का IUPAC नाम कैसे लिखेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स कर चुके थे, और आज हम डिस्कशन करेंगे आपका उपसर्ग संयोजक यौगिक क्या होता है एवं वर्नर सिद्धांत क्या। बच्चों इसमें दोनों ही हेडिंग बहुत ही ज़्यादा आपकी एग्जाम के हिसाब से बच्चों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करें उपसर्ग संयोजक यौगिक क्या होता है। तो बच्चों उपसर्ग संयोजक यौगिक को हम क्या कहते हैं, संकुल भी कहते हैं। क्या बच्चों? संकुल यौगिक या संकुल यौगिक। बच्चों अब आपके सामने क्वेश्चन होगा कि संकुल यौगिक क्या है। बच्चों जैसे हमने लिखा K4FeCN6 पोटेशियम फेरो साइनाइड। बच्चों यदि हम इसको जल में घोलें, यदि बच्चों इसको हम किस में घोल दें, जल में, तो क्या मिलेगा हमें? पोटेशियम आयन K4 4K+। और बच्चों क्या होगा हमारे पास? FeCN6 और बच्चों 4-। एक तो हमें धनायन मिल गया और संकुल बच्चों क्या मिल गया हमें? ऋणायन मिल गया। तो क्या इसका ठोस अवस्था में भी अस्तित्व है और जलीय विलयन भी में भी क्या है बच्चों? अस्तित्व है। तो ऐसे यौगिक जिनका ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था और ये क्या है बच्चों? जलीय विलयन। क्या है बच्चों आपका? जलीय विलयन। ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था एवं जलीय विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। तो क्या निकल के आए डेफिनेशन, तो आप क्या कहेंगे बच्चों? डिफिनेशन क्या निकल के आई? ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था एवं जलीय विलयन में ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था एवं जलीय विलयन में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? चाहे उपसह संयोजक यौगिक कहिए चाहे संकुल यौगिक कहिए, उन्हें उपसह संयोजक यौगिक या बच्चों संकुल यौगिक कहते हैं। तो क्या निकल के आए बच्चों पूरी बात आपके सामने? ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में और ठोस अवस्था में अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उपसह संयोजक यौगिक कहेंगे। आओ जैसे की बात करें, जैसे बच्चों यदि हम जैसे की बात करें बच्चों, हम आपके सामने लिख रहे हैं K4FeCN6। बच्चों अगर बच्चों इसको हम जल में घोलते हैं तो हमें धनायन प्राप्त होता है बच्चों, पोटेशियम आयन, और बच्चों FeCN6 और बच्चों क्या? 4-। तो ये बच्चों हमें मिलता है धनायन और ऋणायन मिलेगा। तो क्या ये जलीय अवस्था में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखे? हाँ,
तो इन्हें हम क्या कहें बच्चों, उपसर्ग संयोजक यौगिक कहेंगे। और कुछ बच्चों हम यहाँ पे महत्वपूर्ण परिभाषाएं की बात कर लेते हैं बच्चों, किसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब बच्चों महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है और इसके संबंध में हम जानें, तो सबसे पहले बच्चों अगर हम आपका बात करें कि यहां बच्चों क्या क्या बात करेंगे, सबसे पहले बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, और इसके बाद बात करें बच्चों लिगैंड, सबसे पहले बच्चों क्या बात केंद्रीय धातु परमाणु, और बच्चों क्या बात करेंगे लिगैंड, और इसके बाद बच्चों यहां हम बात करेंगे अका प्रति आयन बात करें बच्चों प्रति आयन आदि। तो इतने महत्वपूर्ण परिभाषाओं की हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, इसको और लिगैंड को बच्चों आप इम्पॉर्टेंट देकर चलिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, डिफिनेशन ये इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट क्या है ये है IMB केंद्रीय धातु परमाणु और बच्चों क्या लिगैंड। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है बच्चों, जैसे हमने लिखा Fe CN6 और बच्चों 4-, तो जैसे ही इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, पूरे को हम क्या कहते हैं संकुल कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों आपका संकुल। जैसे ही बच्चों हम संकुल में इंटर करते हैं तो संकुल का जो प्रथम परमाणु होता है, संकुल का जो प्रथम परमाणु होता है उसको हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। तो इसका प्रथम परमाणु क्या, जैसे आपने इंटर किया आपका प्रथम परमाणु क्या दिख गया बच्चों, Fe दिख गया। अगर Fe दिखा तो Fe क्या है बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु है। तो आपने क्या पढ़ा, इसका डिफिनेशन बच्चों आप समझ गए होंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या है बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। तो ये क्या है बच्चों, तो यहां पर आप जानिए संकुल में उपस्थित प्रथम परमाणु आपके क्या कहलाता है बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे, उपसंयोजक यौगिक के संकुल में, उपसंयोजक यौगिक के संकुल में उपस्थित प्रथम परमाणु क्या बच्चों, प्रथम परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक बच्चों, उपसंयोजक यौगिक के संकुल में उपस्थित प्रथम परमाणु क्या कहलाता है बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। तो ये बच्चों आप जानते रहे, जैसे आपका बच्चों K4 Fe और बच्चों CN6, तो इसमें संकुल में जैसे आप इंटर करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, आयरन मिलेगा Fe, तो Fe क्या बच्चों सेंट्रल मेटल एटम है, C, M और A लिख दिया बच्चों। तो यही क्या आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। तो ठीक है बच्चों, अब आपकी बात करेंगे लिगैंड क्या है और प्रति आयन क्या है। तो क्या बच्चों आपका लिगैंड,
तो बच्चों लिगैंड क्या होता है इसके विषय में आओ हम जानें। तो लिगैंड क्या होता है, तो हमने देखा कि आपका जो आपका साइनो था बच्चों, जो आपका क्या था बच्चों साइनो था, जैसे हमने आपका लिख दिया Fe CO taken 5। तो बच्चों आपका यहाँ पे Fe क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है बच्चों, और इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु के बाद जो भी बचता है बच्चों संकुल में, संकुल आयन में बच्चों जो भी बचेगा उसको हम क्या कहते हैं बच्चों लिगैंड कहते हैं। यहाँ पर CO बचा, ये क्या बच्चों कार्बोनिल है, तो ये क्या बच्चों आपका लिगैंड है, ये क्या बच्चों लिगैंड है। और लिगैंड बच्चों करता क्या है, तो लिगैंड क्या करता है, जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसको इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है बच्चों इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। तो ये बच्चों लिगैंड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म देना, क्या काम है बच्चों इलेक्ट्रॉन युग्म देना। और इलेक्ट्रॉन युग्म देना तो लिगैंड बच्चों आपका क्या होता है, धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है बच्चों, धनायन होने के चांसेस बच्चों न के बराबर होती है, ठीक, तो आप धनायन न जानिए, ठीक है, अपने सिलेबस के हिसाब से जानिए। क्या होता है लिगैंड बच्चों आपका ऋणायन हो सकता है, और क्या होता है बच्चों उदासीन हो सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वह स्पीशीज जो केंद्रीय धातु परमाणु क्या देता है बच्चों इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, उसे हम क्या कहते हैं लिगैंड कहते हैं। वह स्पीशीज या धनायन या उदासीन परमाणु या परमाणु का समूह है जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है उसको हम लिगैंड कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो वह स्पीशीज, वह स्पीशीज, वह स्पीशीज जो केंद्रीय धातु परमाणु को जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या देता है बच्चों इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या बच्चों इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों लिगैंड कहते हैं, क्या कहते हैं आपका उसे हम क्या कहते हैं लिगैंड कहते हैं। वह स्पीशीज जो केंद्रीय धातु परमाणु क्या दे बच्चों इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करे उसे हम क्या कहते हैं लिगैंड कहते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन युग्म देगा बच्चों तो कौन सा बंध बनेगा, उपसंयोजक बंध बनेगा। तो एक लाइन बच्चों हम आपका लिखते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान उपसहसंयोजक, इस प्रक्रिया के दौरान उपसहसंयोजक बंध बनता है। क्यों बच्चों, क्योंकि यहां पर क्या हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जा रहा है ना, अगर आपका इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाएगा तो क्या होगा बच्चों आपका उपसहसंयोजक बंध होगा। जैसे हम आपका बच्चों एक एग्जांपल ले लें, तो आप हमने लिया जैसे Cu NH3 taken 6, जैसे बच्चों हमने ये ले लिया, और यहां पर आप देखेंगे, और बच्चों यहां पर आप देखेंगे तो 6 है बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या अच्छा है, अभी आप सीखेंगे
तो इस कॉपर को NH3 अपना इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, प्रदान करेगा, देगा। तो NH3 क्या होगा बच्चों, आपका लिगैंड होगा, और जो कॉपर होगा बच्चों ये क्या होगा आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा। तो ये बच्चों आप जानते रहिए, ठीक है। अब बात करेंगे कि आपका केंद्रीय धातु परमाणु के हिसाब से बच्चों आप लिगैंड कितने प्रकार के हो सकते हैं बच्चों। तो कहने का मतलब कि यदि आपका लिगैंड एक होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, यदि लिगैंड दो होगा तो उसे क्या कहेंगे, यदि लिगैंड तीन होगा तो उसको क्या कहेंगे। तो बच्चों हम आपका देख रहे थे कि लिगैंड वह स्पेसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है बच्चों, से हम क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन होगा कि एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर लिगैंड क्या है बच्चों। तो आप देखिए एक दंतुर लिगैंड क्या है, अगर लिगैंड बच्चों एक दाता परमाणु होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एक दंतुर लिगैंड कहेंगे। दो होगा तो द्विदंतुर, दो से ज्यादा होगा तो बहुदंतुर, जैसे तीन होगा तो त्रिदंतुर, चार होगा तो चतुर्दंतुर, पांच होगा तो इस प्रकार से बच्चों हम अलग अलग उनका नाम रखेंगे। तो आओ इसके विषय में हम जानें। तो लिगैंड के प्रकार हम क्या देख रहे थे बच्चों, लिगैंड के प्रकार। तो ये बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिगैंड के प्रकार। और लिगैंड के प्रकार बच्चों, तो सबसे पहले दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। तो बच्चों दाता परमाणु की संख्या के आधार पर आपका जो होगा वो ये होगा बच्चों, एक होगा एक दंतुर, एक दंतुर लिगैंड। अगर आपका एक दाता परमाणु होगा, दो होगा तो द्वि दंतुर लिगैंड, और दो से ज्यादा होगा बच्चों उसे हम क्या कहेंगे, बहुदंतुर लिगैंड। तो इसका बच्चों हमको शॉर्ट में समझा देते हैं, इसे ध्यान दीजिए। वह लिगैंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या क्या बच्चों, वह लिगैंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी हो, एक हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक दंतुर। द्विदंतुर बच्चों, वह लिगैंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी हो बच्चों, दो, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विदंतुर। और बच्चों वह लिगैंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या दो से ज्यादा हो बच्चों, दाता परमाणु की संख्या बच्चों दो से ज्यादा, क्या बच्चों दो से ज्यादा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, बहुदंतुर लिगैंड कहेंगे। अब बच्चों यदि आपका एक दाता परमाणु होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एक दंतुर लिगैंड कहेंगे, जैसे बच्चों आपका NH3। इसे बच्चों क्या है, एक दाता परमाणु है नाइट्रोजन, इसे हम क्या कहेंगे, एक दंतुर लिगैंड। जैसे बच्चों हमने लिखा आपका Cl- क्लोरीडो क्लोरो, तो ये क्या है बच्चों, एक दाता परमाणु केवल क्लोरीन है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एक दंतुर लिगैंड कहेंगे। ये ऋणावेशित है, ये बच्चों आपका उदासीन है। अब द्विदंतुर लिगैंड बच्चों क्या है, आपने पढ़ रखा EN, EN मीन्स बच्चों एथिलीन, क्या बच्चों आपका एथिलीन डाई एमीन, क्या बच्चों एथिलीन डाई एमीन। और इससे बच्चों इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एथिलीन मतलब CH2, एमीन डाई एमीन तो NH2 बच्चों, और आपका NH2, इसको हम कहते हैं आपका एथिलीन डाई एमीन। अब इसमें कितने दाता परमाणु है बच्चों,
इसमें कितने दाता परमाणु आपको दिख रहे हैं? दो दाता परमाणु दिख रहे हैं बच्चों, एक ये और एक ये बच्चों, एक ये। अब दो दाता परमाणु है तो इसे हम क्या कहेंगे? एथिलीन डाइएमीन, क्या है बच्चों? आपका द्विदंतु लिगेंड है। अब बच्चों बात करिए यहाँ पर बहुदंतु लिगेंड क्या है बच्चों? जैसे आपने अगर तीन दाता परमाणु होगा कितना बच्चों? तीन दाता परमाणु, तो इसे क्या त्रिदंतु लिगेंड कहते हैं। जैसे डाई एथिलीन ट्राइएमीन, और डाई एथिलीन ट्राइएमीन का बच्चों आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या निकल के आएगा? NH2 CH2 CH2, NH और बच्चों आपका CH2 CH2 और बच्चों NH। तो बच्चों यहां पर देखिए कितने दाता परमाणु है, एक दो और तीन। अब तीन दाता परमाणु है बच्चों, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? एथिलीन डाई एथिलीन ट्राइएमीन बच्चों क्या आपका त्रिदंतुर लिगेंड है। अगर बच्चों चार होगा तो उसको बच्चों हम आपका चतुर्दंतुक लिगेंड कहेंगे, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और बच्चों यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा आपका, किलेट क्या है? किलेट, और बच्चों आपका बन सकता दंतुकता। तो दोनों हम आपका देखते हैं किलेट और दंतुकता क्या है। क्या बच्चों? दंतुकता क्या बच्चों? हम आपका देखेंगे दंतुकता एवं किलेट। इसके विषय बच्चों आपका देखेंगे तो ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको बच्चों पढ़कर जाइएगा आप सब। अब दंतुकता क्या है बच्चों? दंतुकता क्या है और इसके विषय में हम जाने को किसी भी लिगैंड में उपस्थित दाता परमाणु की संख्या उसकी दंतुकता कहलाती है, डेंटिसिटी कहलाती है। तो दंतुकता क्या है बच्चों? दंतुकता लिगैंड में उपस्थित क्या बच्चों? लिगैंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की संख्या दंतुकता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? दाता परमाणु की संख्या क्या है बच्चों? दंतुकता कहलाती है। तो ये बच्चों आप याद रखिएगा, जैसे हमने लिखा CH2 NH2 और CH2 NH2, तो यहाँ पर दाता परमाणु संख्या कितनी है बच्चों? दो है। तो इसकी जो डेंटिसिटी होगी, दंतुकता होगी, क्या होगी बच्चों? आपकी दो होगी, ठीक है। अब बच्चों किलेट क्या है? किलेट देखिए बच्चों, द्विदंतुर और बहुदंतुर केंद्रीय धातु परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके
क्या बनाते हैं? किलेट, रिंग बनाते हैं बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं? किलेशन कहते हैं। अब क्या है बच्चों, किलेट क्या है? जैसे आपका यही है बच्चों, एथिलीन डाई एमीन CH2 NH2 और CH2 बच्चों क्या, NH2। और ये जो आपके सेंट्रल मेटल को बच्चों, ये अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करके क्या बना लेते हैं बच्चों, बांड बना लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करेंगे बच्चों, ये भी और ये भी दोनों अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करके बच्चों क्या बना देते हैं, रिंग बना देते हैं, और इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, किलेट कहते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, किलेशन कहलाती है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों आपका हम, द्विदंतुर क्या बच्चों, द्विदंतुक लिखिए बच्चों, नहीं द्विदंतुक एवं बहुदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक एवं बहुदंतुक लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करके, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके या डोनेट करके, द्विदंतुक एवं बहुदंतुक लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके रिंग बना देते हैं जिसको हम बच्चों क्या कहते हैं, जिसको उस लिगेंड को बच्चों क्या कहेंगे, किलेट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, किलेट कहते हैं। और यह प्रक्रिया कीलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों आपका, यह प्रक्रिया कीलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, कीलेशन कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछे कीलेशन क्या है या कीलेट क्या है, तो ऐसे लिगैंड जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करके रिंग बना देते हैं, किलेट बना देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, किलेट रिंग कहते हैं, सॉरी किलेट लिगेंड कहेंगे। और यह प्रक्रिया क्या है बच्चों, किलेशन कहलाएगी। तो आपका किलेट हो गया बच्चों, और ये क्या दंतुकता हो गई। ये एक नंबर वाले बच्चों क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है। अब बच्चों बात करेंगे आपकी कि उपसंयोजन संख्या क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों क्या होता है, क्या बच्चों उपसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन, क्या बच्चों उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजन संख्या। तो उपसंयोजन संख्या बच्चों क्या है, इसके संबंध में आओ हम जाने। तो सबसे पहली बात बच्चों कि जैसे हमने लिखा Cu और बच्चों H2O taken 4 और बच्चों 2+, तो यहां पर जो कॉपर कितने आपका H2O बंद बनाएगा बच्चों, कितने उपसहसंयोजक बंद बनाएगा बच्चों, वो आपके कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे बच्चों, 4 होंगे। अब यहां पर हम देख रहे हैं उपसहसंयोजक बंधों की संख्या कितनी बच्चों, 4 है। अब यही उपसहसंयोजक बंधों की संख्या बच्चों क्या कहलाती है, उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो उपसहसंयोजन संख्या क्या बच्चों, कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच बने उपसहसंयोजन बंधों की संख्या क्या कहलाती, उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो क्या लिखेंगे हम,
उपसह संयोजक यौगिक में, उपसह संयोजक यौगिक में, उपसह संयोजक यौगिक में, केंद्रीय धातु परमाणु, क्या चौक केंद्रीय धातु परमाणु एवं केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगेंड के बीच उपस्थित उपसह संयोजक संख्या, क्या उच्च उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक बंधों की संख्या, उच्च उपसह संयोजक बंधों की संख्या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। उपसह संयोजन, उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। क्या चूं उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगेंड के बीच उपस्थित उपसह संयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। जैसे बच्चों अभी हमने आपका एग्जांपल लिया था, एग्जांपल क्या था बच्चों? CuSO4 taken 4 और 2 प्लस। बच्चों यहां पर कितने H2O हैं बच्चों? चार है ना, मतलब चार आपके उपसह संयोजन बंध बनाएंगे तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों? चार होगा। तो और आपके कुछ एग्जांपल्स बच्चों हम करा देते हैं। जैसे बच्चों इन्होंने कहा है FeCN6, क्या बच्चों? FeCN6 और 3- बच्चों। तो यहां पर कितने लिगेंड बच्चों? छह ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकल के आएगा बच्चों क्या निकल के आएगा? छह है। जैसे बच्चों इन्होंने कहा है CoEn taken thrice और इसकी बच्चों इन्होंने पूछ रखा है आपसे उपसह संयोजन संख्या, तो आप कितना बताएंगे? तो एथिलीन डाई एमीन में दाता परमाणु कितने होते हैं बच्चों? दो होते हैं, तो तीन है ना बच्चों? बच्चों यहां पर देखिए CH2NH2 और CH2NH2, तो इसमें कितने दाता परमाणु? एक बच्चों ये है और एक क्या है? ये है। तो एक एथिलीन में दो, तो कितने बच्चों? तीन है, तीन दो नहीं छह, तो मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आया बच्चों वो क्या आ गया? छह आ गया। तो उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु एवं लिगेंड के बीच उपस्थित उपसह संयोजक बंधों की संख्या उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। तो ये बच्चों आप याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वर्नर सिद्धांत क्या है इसके संबंध में। क्या बच्चों? वर्नर सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत। तो सबसे पहले बच्चों आप समझिए, तो वर्नर ने क्या बताया उपसह संयोजक यौगिकों के बारे में? जैसे हम एक एग्जांपल लेकर बच्चों बताते हैं, यहां पर आपका एग्जांपल बच्चों हम ले लेते हैं CO NH3 taken 6 और बच्चों Cl3। ये बच्चों आपका एक कंपाउंड है, उपसह संयोजक यौगिक है। तो वर्नर ने बताया बच्चों कि आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, सेंट्रल मेटल होगा बच्चों, उसकी दो प्रकार की संयोजकताएं होंगी। तो पहला क्या बच्चों? अगर यहां पर आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे कितना आएगा बच्चों? +3 आएगा। निकाल के देखिए X+6 NH3 neutral है 0 और +3 -1 = 0, तो ये बराबर क्या है बच्चों? +3। तो एक तो बच्चों ये निकल आया कि आपका यदि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल पर लिखे बच्चों तो क्या निकल के आया? 3 निकल कर आया। और यदि यही बच्चों
हम यहाँ पर उप संयोजक बंधों की संख्या देखें तो बच्चों क्या होगा आपका, तीन हो छह होगा बच्चों, क्या होगा छह होगा। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे उप संयोजक बंधों की संख्या बच्चों कितनी होगी, छह होगी। तो यहाँ पर हमने दो चीजें देखा कि एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या आ रहा है बच्चों, तीन आ रहा है, और इसका एक उपसंयोजक संख्या आ रही है जो आ रही है आपकी छह आ रही है। तो बच्चों उपसंयोजक यौगिक में आपका केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, जिसको हम एक कहते हैं बच्चों प्राथमिक संयोजकता और एक कहते हैं बच्चों द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। तो बच्चों प्राथमिक संयोजकता क्या है, तो प्राथमिक संयोजकता बच्चों क्या है, जो आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट आया है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या है द्वितीयक संयोजकता है, और जो आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट आया है बच्चों इसको हम क्या कहते हैं प्राथमिक संयोजकता कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। और ये तो आपका रहा बच्चों प्राथमिक संयोजकता, और जो आपका उप संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर है बच्चों इसको हम क्या कहते हैं द्वितीयक संयोजकता, क्या कहते हैं बच्चों आपका द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। इतनी बात समझ में क्या बच्चों, कि उप संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करेगा, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। इतनी बात समझ में, प्राथमिक संयोजकता क्या होती है ऑक्सीकरण अवस्था होती है सेंट्रल मेटल की, और उप संयोजन संख्या क्या होती है बच्चों आपकी द्वितीयक संयोजकता होती है कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो क्या बच्चों ये आयनिक होती है, प्लस थ्री आयन है, हाँ। तो प्राथमिक संयोजकता बच्चों क्या होती है आयनिक होती है, और बच्चों जो द्वितीयक संयोजकता होती है ये क्या होती है, क्या यहाँ पर उप संयोजन बंधों की संख्या आयन होंगे बच्चों प्लस या माइनस में आएंगे, नहीं आएंगे ना, तो ये बच्चों क्या होती है अनआयनिक होती है, अनआयनिक होती है, क्या बच्चों होती है अनआयनिक होती है। और आपको पता है बच्चों कि उप संयोजक बंधों को हम किससे दर्शाते हैं, एक हम तीर की सहायता से बच्चों दर्शाते हैं, और जबकि आपकी प्राथमिक संयोजकता के बच्चों आपको जैसे सीएल थ्री इन सब को दर्शाना तो हम किससे दर्शाएंगे डॉट लाइन से बच्चों हम दर्शाते हैं। तो बस यही है पूरा का पूरा वर्नर सिद्धांत और ख़त्म हो गया। तो हमने क्या क्या सीखा बच्चों, वर्नर सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु बच्चों लिख सकते हैं आपका, तो पूछेगा बच्चों वर्नर सिद्धांत की किन्हीं दो बिंदुओं को आप बताइए, तो आप इसे पढ़िएगा। तो ये क्या है बच्चों, सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु क्या उपसह संयोजक यौगिक में, उपसह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु बच्चों इसको हम इरेज कर दें, एक मिनट हम लिख लेते हैं फिर इरेज करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता कहते हैं, जिसको क्रमशः प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकता कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों प्राथमिक एवं द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। ये बच्चों फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। दूसरा बच्चों हम क्या लिख ले रहे हैं, प्राथमिक संयोजकता क्या आयनिक होती है और द्वितीयक संयोजकता क्या होती है बच्चों अनआयनिक होती है। तो क्या लिख रहे हैं बच्चों,
दूसरा पॉइंट, प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है जबकि द्वितीयक संयोजकता अनायनिक होती है। क्या बच्चों? अनायनिक होती है। तो ये बच्चों जानते रहिए, प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? आयनिक होती है। और द्वितीयक संयोजकता बच्चों क्या होती है? अनायनिक होती है। और बच्चों प्राथमिक संयोजकता आपकी हमेशा ऋणायन द्वारा संतुष्ट होगी, और जो द्वितीयक संयोजकता होगी बच्चों किससे संतुष्ट होगी? ऋणायन द्वारा या उदासीन लिगैंड द्वारा संतुष्ट होगी। आप थर्ड पॉइंट बच्चों में लिख सकते हैं, प्राथमिक संयोजकता ऋणायन द्वारा प्राथमिक संयोजकता ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है जबकि द्वितीयक संयोजकता ऋणायन या उदासीन लिगैंड द्वारा या उदासीन लिगैंड द्वारा संतुष्ट होती है। किसे बच्चों? उदासीन लिगैंड द्वारा संतुष्ट। जैसे हमने आप लिखा था ना अभी, आपका क्या लिखा था? CO और क्या था बच्चों? CO CN6 और बच्चों क्या था? Cl3। तो आपका जो ऑक्सीकरण अवस्था किसके कारण +3 आ रहा है बच्चों? क्लोरीन के कारण। तो प्राथमिक संयोजकता किसके कारण है बच्चों? ऋणायन के कारण। और द्वितीयक संयोजकता ऋणायन या उदासीन लिगैंड के कारण होगी बच्चों। इतना समझ में आई? अब फोर्थ पॉइंट क्या हो सकती है बच्चों? अभी आपने पढ़ा था कि प्राथमिक संयोजकता में जुड़े हुए परमाणु को बच्चों हम डॉट लाइन से दर्शाते हैं। किससे बच्चों? डॉट लाइन से दर्शाते हैं। तो क्या लिखें बच्चों? प्राथमिक संयोजकता से जुड़े परमाणु को डॉटेड लाइन, किससे बच्चों? डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाते हैं जबकि द्वितीयक को तीर के द्वारा दर्शाते हैं बच्चों। किसके द्वारा दर्शाते हैं? तीर के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात कर ले बच्चों, आपका एग्जांपल जैसे लेते हैं CO NH3 taken 6 और बच्चों क्या आपका Cl3। तो ये क्या बच्चों? अष्टफलकी है। तो बच्चों ने कोबाल्ट बनाया NH3 तब क्या बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या 6 है ना? और बच्चों आपका NH3 और बच्चों क्या आपका NH3। ठीक बच्चों,
और यहाँ पे जो द्वितीयक संयोजकता होगी बच्चों Cl3, उसको भी इस प्रकार से दर्शाते हैं Cl, और बच्चों एक यहाँ पर आपका Cl ले लिए और एक Cl यहाँ पर, तो इसको डॉटेड लाइन से ऐसा दर्शाएंगे बच्चों, किससे? डॉटेड लाइन से, और इसको किससे दर्शाएंगे बच्चों? एरो से दर्शाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपका वर्नर सिद्धांत खत्म हुआ। तो ठीक है बच्चों, यदि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट बच्चों मस्त मस्त करते रहिए, और यदि बात आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में या वाया डिस्क्रिप्शन में बच्चों नंबर गिवेन है, वहाँ से आप पूछिए और अपने बोर्ड हिसाब को आप बोर्ड एग्ज़ाम को बच्चों अच्छे से अच्छे प्रकार से तैयारी उसे कीजिए। और यदि आपको कोई डाउट हो बच्चों तो उसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।